क्षमा एक दुनिया की ऐसी शब्द है जिसे यदि हम आत्मा से आत्मसात करें तो शायद दुनिया जीतने की मादा हमारे अंदर आ सकती है, क्योंकि क्षमा में वो ताकत होती है, ऊर्जा होती है और गुण होती है कि बड़े से बड़े योद्धा को भी आपके शरणों में गिरा देती है। आपकी क्षमा उनकी शक्ति पर भारी पड़ने लगती है। जब हम कभी छुट्टियों का आनंद ले रहे होते हैं तब हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ बिताते हैं। क्यों बिताते हैं? सिर्फ इसलिए बिताते हैं कि हमारे आपस में मिले हुए परिवारों के बीच खुशियां हो, उत्साह हो और मेल मिलाप हो। उस समय हमारा पूरा ध्यान उनके खुशी, प्रेम और उनके देखभाल पर ही केंद्रित होता है ना। इस प्रेम और खुशी के माहौल को हमें अपने परिवार और मित्रों तक ही क्या सीमित रखना चाहिए? नहीं, बल्कि समस्त संसार को प्रभु का एक कुटुंब मानते हुए इसे सभी में बांटना चाहिए। आप जहां तक खुशियां बांट सके वहां तक साम्राज्य आपका है, जहां तक दिलों पर राज कर सके वहां तक साम्राज्य आपका है। आज सारे संसार में उथल पुथल मची हुई है, अशांति और हिंसक घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। कई बार लोगों को दुख में घिरा देखकर हम भी दुखी हो जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इसका दुख हर लो ना। लेकिन क्या वो दुख प्रभु ने दिए हैं? नहीं, इंसान का दुख कहीं ना कहीं इंसान के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ऐसे समय में प्रभु से हम ये प्रार्थना करें, ये अच्छी बात है। तत्पश्चात अपने दिल से भी ये प्रार्थना करें कि हमारे चलते किसी को दुख न हो। ऐसे समय में प्रभु से प्रार्थना करते हैं और करना भी चाहिए, ताकि झगड़े, फसाद, संघर्ष, हिंसा और युद्ध आदि खत्म हो जाए। दरअसल इन सभी समस्याओं का समाधान कहीं बाहर तो नहीं है, बल्कि हम सबके भीतर ही मौजूद है। अगर हम में से प्रत्येक अपने अंतर में ध्यान अभ्यास द्वारा शांति को प्राप्त कर ले तो काहे का झगड़ा और किस बात की झगड़ा। तब हम औरों से भी ज्यादा शांति और सुकून से रहेंगे, हमारे साथ रहने वाले लोग इससे भी ज्यादा सुकून से रहेंगे, और जहां आप रहेंगे वहीं पर एक स्वर्ग की अनुभूति होगी। इससे हम में प्रत्येक व्यक्ति का एक आंतरिक स्तंभ होना चाहिए कि हम किस प्रकार अन्य व्यक्ति को खुशी और शांति प्रदान कर सकते हैं। यह धीरे धीरे फैलाना चाहिए और इसका विस्तार वहां तक देना चाहिए जहां तक अगर आपकी आत्मा राज करना चाहती है। हमारे मन में एक हमेशा से इच्छा रहती है कि हम इस पूरे गांव के मालिक होते, इस पूरे पंचायत के मालिक होते, इस पूरे जिला के मालिक होते। तो क्या आप इस जिला में रहने वाले तमाम लोगों के दिलों पर राज करते हैं? यदि आप करते हैं तो निसंदेह आप इस जिला के मालिक हैं। आपके पीछे जनसमूह है और जहां आप खड़ा होते हैं वहीं पर जनसैलाब होता है, जहां आप बोलते हैं वहीं प्रवचन होता है, और जिधर देखते हैं वहां ही कृपा बरसने लगती है। संसार में शांति फैलाने के तरीकों में से एक है क्षमा। यह उसका मुख्य स्तंभ है, इसी पर तो संसार का शांति टिका हुआ है। यदि हम क्षमा को भूल जाएं तो हर बात का प्रतिशोध है, हर बात का दंड है, और उसका भी प्रतिशोध है, यानी प्रतिशोध का भी प्रतिशोध है। इसके लिए हमें बदलने की भावना से ऊपर उठकर बदलाव की भावना में आना चाहिए। सबसे पहले हमें किसी को बदलना नहीं है, खुद को बदलना है, और किसी के भी परिणामों का दुष्परिणाम देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। संसार की बहुत सी समस्याएं बदले की भावना से शुरू होती है ना। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचाता है कि नहीं, और दूसरा व्यक्ति उससे बदला लेता है और पुनः उसे दुख पहुंचाता है। यह चक्र लगातार चलता रहता है। जब तक प्रतिशोध की यह भावना चलती रहती है, जब तक प्रतिशोध की यह आग जलती रहती है, दुखों का माया वहां डेरा डाल लेता है। और हम दूसरों को ये समझाते हैं कि इन्हें कष्ट देना अच्छी बात नहीं है, उन्हें कष्ट देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम
खुद अपने प्रतिशोध के माध्यम से कितने लोगों को कष्ट दे रहे हैं इसका ध्यान ही नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि शांति का प्रवचन भी अशांति में होती है। इस बात से यह हमें सीखने को मिलती है कि जो शुद्ध और सत्य मार्ग के शांति प्राप्त करता है वह कहीं शोर और कोलाहल के बीच नहीं है। प्रतिशोध की इस भावना को केवल क्षमा द्वारा ही खत्म किया जा सकता है, अर्थात विश्व को शांति प्रदान करने का एकमात्र रास्ता अगर है तो वह क्षमा है। ऐसे होने पर संसार में प्रेम और शांति का जीवन फिर से लौट सकता है। क्षमा के इस गुण को हम अपने भीतर धारण करें ताकि यह संसार शांति और प्रेम से भर जाए। अगर हम इस तरह के क्षमा के स्तंभ को अपने दिल के अंदर एक महल में परिणित करते हैं तो निसंदेह धीरे धीरे विश्व के सभी लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं जगेंगी और बारंबारी से सभी के अंदर स्नेह प्रेम और व्यवहार का मार्ग प्रशस्त होगा। लोग मिलकर रहेंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, उनका आत्मीय संबंध हो जाएगा। अर्थात हम सुबह उठें तो अपने आत्मा से एक बात जरूर कहें कि हे ईश्वर, हमसे जो गलती हुई है उसे आप क्षमा करना, और हमारे ऊपर किसी ने कोई गलत की है तो मैं उसे तहे दिल से क्षमा करता हूँ, क्योंकि यह पूरे विश्व शांति से प्रगति के पथ पर चले इसके लिए हमें खुद को और दूसरे को क्षमा करना आवश्यक है, और इस क्षमा के मार्ग से ही हम शांति के पथ को प्रशस्त करके विश्व को और सुंदर बनाने का कोशिश करेंगे।